हेलो दोस्तों, बलून्स यानी गुब्बारे हमारी बचपन की फेवरेट चीजों में से एक है। फिर चाहे बर्थडे पार्टी में गुब्बारे फोड़ना हो या फिर होली में रंग से भरे गुब्बारे फेंकना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अलग अलग आकार के यह रंग बिरंगे बलून्स आखिर कैसे बनते हैं और फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि आखिर बलून्स यानी गुब्बारे कैसे बनते हैं। बलून्स बनने की शुरुआत होती है लेटेक्स प्राप्त करने से। लेटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है जो कि हमें कुछ खास पेड़ों से मिलता है, जैसे कि हेविया विजिलिएंसिस या रबर ट्री। इन पेड़ों से लेटेक्स निकालने के लिए पेड़ की छाल में एक खास तरीके से स्पेशल कट लगाए जाते हैं, जिससे बूंद बूंद करके लेटेक्स गिरता रहता है, जिसे एक पेड़ में फिक्स बाल्टी इकट्ठा करती रहती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग पेड़ों से लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर सारी लेटेक्स को छानकर एक बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में लेटेक्स को बड़े से मिक्सिंग टैंक में भर देते हैं। फिर इस लेटेक्स में बलून्स यानी गुब्बारों के कलर के हिसाब से कलर डाई मिक्स करते हैं, जिससे अलग अलग रंग का लेटेक्स सॉल्यूशन बन जाता है। अब जिस आकार या शेप का बलून बनाना होता है उसी आकार का सांचा लेते हैं, जिसे बलून मोल्ड कहते हैं। इस सांचे की सरफेस यानी सतह बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है। यह सांचे सीरीज में एक प्लेट पर लाइन से लगे होते हैं। सबसे पहले इन सांचों को गर्म पानी से साफ करते हैं, जिससे अगर इन पर कोई डस्ट वगैरह मौजूद हो तो वह साफ हो जाती है। इसके बाद इन्हें एक नमकीन यानी सॉल्टी सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, जो कि एक ग्लू की तरह काम करता है और लेटेक्स सॉल्यूशन को चिपकने में मदद करता है। इसके बाद इन सांचों को हवा में पंखों की मदद से सुखाया जाता है। जब यह अच्छे से सूख जाती हैं, तब इनको कलरफुल लेटेक्स के घोल या सॉल्यूशन से भरे टैंक में डुबाकर निकालते हैं, जिससे इन पर एक लेटेक्स की पतली परत बन जाती है जो गुब्बारे या बलून के आकार की होती है। जब यह लेटेक्स की लेयर या परत हल्की सी सूख जाती है, तब इसे रोलर ब्रशेस के बीच में से गुजारते हैं। यह रोलर गुब्बारों के मोह वाले हिस्से को घुमाकर थोड़ा मोड़ देते हैं, जिससे गुब्बारों के मोह को उनका घुमावदार रिंग जैसा आकार मिल जाता है। इसके बाद इन गुब्बारे वाली सांचों को गर्म पानी में डुबा देते हैं कुछ मिनटों या घंटों के लिए। इस प्रोसेस से लेटेक्स की परत में मौजूद हानिकारक केमिकल अलग हो जाती हैं और उसका लचीलापन यानी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद बलून्स को फिर से एक बार टेलकम पाउडर और गर्म पानी की मिक्सचर में डुबाती हैं। टेलकम पाउडर बलून्स को साइन यानी चमक प्रदान करता है और इसकी सतह को चिकना कर देता है। फिर जब बलून्स यानी गुब्बारे सूख जाते हैं, तब इन्हें एक ऑटोमेटिक एयर इजेक्शन सिस्टम की मदद से हवा की प्रेशर के साथ निकाल लेती हैं और कलर के हिसाब से अलग अलग कंटेनर में भर देती हैं। अब अगर हमें इस पर कोई डिजाइन बनानी हो तो इसके लिए हम हाथों की मदद से इन्हें एयर ब्लोइंग नोजल्स में लगाते जाते हैं। यह नोजल इसमें हवा भरती जाती है और डिजाइन के अनुसार एक ऑटोमेटिक स्टैंपिंग मशीन इस पर डिजाइन प्रिंट करती जाती है। जरूरत के अनुसार अलग अलग बलून्स में अलग अलग डिजाइन प्रिंट हो जाती हैं। आखिर में यह बलून्स यानी गुब्बारे सॉर्टिंग कन्वेयर पर पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें कलर डिजाइन और प्रिंट के हिसाब से हाथों के द्वारा अलग अलग किया जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर के द्वारा पैकिंग के लिए भेजते हैं, जहां पर इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा पैकेट में पैक करते हैं। और अब यह गुब्बारे रेडी हैं मार्केट में बिकने के लिए। तो बस यही था सबके प्यारे बलून्स यानी गुब्बारे बनने का पूरा ज्ञान। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।